बिहार में सरकार ने सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने वालों पर नकेल कसने की तैयारी की है, जिसे लेकर ईओयू ने सभी विभागों को पत्र लिखा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है जो सरकारी कामों, सांसद, विधायक, मंत्रियों या अधिकारियों व कर्मचारियों पर सोशल मीडिया के माध्यम से गलत टिप्पणी करते हैं। वहीं अब यह मामला सियासी रंग पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें, दरअसल आर्थिक अपराध इकाई ने राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे पोस्ट की सूचना दी जाए जिससे व्यक्ति, संस्थान या सरकार की प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। पत्र में लिखा गया है कि अगर किसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ ऐसा पोस्ट सामने आता है तो उसकी जानकारी दी जाए ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। तो वहीं अब विपक्ष ने इस पर पलटवार किया है और सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 3 ट्वीट किए हैं और नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पहली ट्वीट पर लिखा है, लोकतंत्र की जननी बिहार में संघीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकतंत्र की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे कारनामे ही क्यों करते हैं कि शर्मिंदा होना पड़े। आपने अपना जमीर, सिद्धांत और विचार का सौदा तो बीजेपी संघ से कर लिया, लेकिन आम जनों के मौलिक अधिकारों का हरगिज नहीं करने देंगे, समझ जाइए। तो वहीं दूसरी ट्वीट पर तेजस्वी यादव ने लिखा है, हिटलर के पद चिन्हों पर चल रहे मुख्यमंत्री की कारस्तानियां, प्रदर्शनकारी चिन्हित धरना स्थल पर भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल, आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता से नहीं मिल सकते। नीतीश जी, मानते हैं आप पूर्णतः थक गए हैं, लेकिन कुछ तो शर्म कीजिए। तो वहीं तीसरे और आखिरी ट्वीट में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है, 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षक कर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूं, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। तो लगातार 3 ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और आखिरी ट्वीट में तो उन्होंने साफ साफ यह कह दिया है चुनौती के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि इस आदेश के तहत अब मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए।